Hello friends, welcome back to my channel. So today in this video I'll be sharing with you guys how to use vitamin A capsule on your hair. Like अपने बाल पर vitamin E capsule किस तरह use कर सकते हो, like by oiling, okay? So अगर आप like बहुत ज़्यादा straightening वगैरह करके आपके बाल thin हो गए हो या फिर बहुत hair fall वगैरह है, so you can use this. ठीक है, तो ये विटामिन ई का एक कैप्सूल आपको लेना है एवियन 400 वाला. ठीक है, एंड ये कैप्सूल इनटेक भी करते हैं, लाइक कंज्यूम भी करते हैं नाइट में एक. अगर आप लोग लाइक विटामिन ई का कुछ लाइक ये डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से, मैं फॉर माय हेयर्स ओनली मैं पहले खाती थी इसे, एंड मैंने कभी इसे फेस पे अप्लाई तो नहीं किया है, बट आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होगा, बट आई विल अप्लाई फॉर श्योर. अभी मैंने इसे लाइक फॉर हेयर अप्लाई करना स्टार्ट किया बिकॉज मुझे पहले भी डॉक्टर ने कहा था कि जब भी मेरा हेयर फॉल वगैरह होता है तो व्हाट आई डू इज़ मैं विटामिन ई का एक कैप्सूल लेती हूँ, उसे इवियन का 400 वाला, इसे कट करके ऑयल में मिक्स करके और स्कैल्प पर अप्लाई करती हूँ. ठीक है, आपको नीचे वाले पोर्शन ऑफ द हेयर पे अप्लाई इसे बिल्कुल भी नहीं करना है. विटामिन ई का कैप्सूल नॉर्मल पैराशूट के ऑयल में मिक्स करके अच्छे से सिर्फ आपको इसे स्कैल्प पर अप्लाई करना है. ठीक है, तो ये मैंने पूरा कैप्सूल ले लिया है. ठीक है, अब मैं इसे लेके अपने स्कैल्प पर अच्छे से मिक्स करके अप्लाई कर लूँगी. मैं स्मेल कर रही थी इसका स्मेल कैसा है. अगर सर अभी इसे अच्छे से पैराशूट के ऑयल में मिक्स करना, अच्छा क्वांटिटी ऑफ ऑयल लेना है. ऐसा नहीं कि कैप्सूल में जो विटामिन ई था वो ज़्यादा है और ऑयल कम है. जितना कैप्सूल के अंदर होगा उससे ज़्यादा हमें ऑयल लेना है और अच्छे से इसे मिक्स करना है. इस पहले तो मैं इसे लाइक बाटी या किसी चीज़ में कप में इसे मिक्स करके अप्लाई करती थी, बट नाउ आई एम जस्ट लाइक शोइंग टू यू गाइस की तो मैं जल्दी जल्दी में इसे अप्लाई करूँ. एंड आई एम अप्लाइंग दिस ओनली ऑन माई स्कैल्प एरिया. ठीक है, सिर्फ रूट्स ऑफ द हेयर पे अप्लाई करना है बिकॉज दिस हेल्प लाइक आपका जो बाल बहुत पतले है उसे मोटा करने के लिए, स्ट्रेंथ के लिए है. ओके, सो ये सब स्कैल्प पे आपको अच्छे से अप्लाई कर लेना है विटामिन ई की कैप्सूल और उसको दैट्स इट. और नीचे वाले हेयर के पोर्शन पे आपको नॉर्मल ऑयल अप्लाई करना है. ठीक है, ये आप वंस इन अ वीक कर सकते हो या फिर मोस्ट प्रोबेबली ये आपको नाइट टाइम पे करना चाहिए. तो क्या इट लाइक वो मॉर्निंग तक आपके बाल में लाइक अपने हेयर में रूट्स में ड्रॉप हो जाएगा. अगर आप इसे मॉर्निंग में कर रहे हो और हाफ एन आवर में नहा रहे हो तो दैट इज़ नो यूज़ ऑफ. ठीक है, और आपको इसे गर्म पानी से ही वॉश करना है, कुनकुना काइंड ऑफ, बट मोस्ट प्रोबेबली नहीं यार, मतलब आपको यूज़ इसे नाइट में ही करना है. ठीक है, फिर अच्छे से अप्लाई करना है. एंड सेकेंड पार्ट है आपके नीचे वाले पोर्शन ऑफ ऑयल में. अब मेरे हाथ पे कुछ भी अप्लाई नहीं है, सिर्फ मैं अब नॉर्मल ऑयल लूँगी और इसे अपने हेयर पे अप्लाई करूँगी. तो मेक श्योर एक एक स्ट्रेंथ पर अच्छे से अप्लाई हो जाए, तो मैं एक एक ऐसे लेके अप्लाई करती जाऊँगी और पूरी ऑयलिंग होने के बाद कोम करके नाल वेट फॉर सम 3 hours, 4 hours एंड देन आई विल टेक बाथ. Okay, so after wash you can see the instant shine on my hands. So they are like shiny and softness हो जाएगा. And it will take time, like आप जो Evian capsule है that will take time for sure, but that will give you results. So tena, if you guys like my video make sure to subscribe and comment below. Bye bye.